नमस्कार साथियों, आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दही वाली मगम्मा, और आप मात्र 5 से 10 मिनट के वीडियो पर आप इस पूरे कहानी को समझ पाओगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको भी आप कर पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी है मगम्मा, इसके जो लेखक हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये जो मगम्मा कहानी है इसके जो लेखक हैं वो श्री निवास जी हैं। और यह कैसी कहानी है आपसे पूछा जाएगा, तो यह कहानी जो है हमारी कन्नर कहानी है, यानी ये केरल है ना, केरल की भाषा में लिखी गई कहानी है। इसको जो हिंदी में अनुवाद किए हैं, यानी जी इसको इसके जो अनुवादक हैं वो हैं बी आर नारायण इसके अनुवादक हैं। आपको अच्छे से समझना है ना। अब समझते हैं आगे हम लोग कहानी को। कहानी में क्या होता है कि एक विधवा औरत होती है जिसका नाम मगम्मा होता है, और मगम्मा क्या करती है, इसके जो गांव का नाम है वो इसके गांव का नाम होता है वेंकटपुर, और वेंकटपुर जो कि बेंगलोर से लगभग 3 मील की दूरी पर है। तो मगम्मा रोज़ क्या करती है, अपने माथे पर दही का घड़ा लेकर के 3 मील दूर यानी बेंगलोर दही बेचने के लिए रोज़ जाती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम होता है ना, जिसको ये माजी कहकर पुकारती है। हमेशा ये इसे माजी कहकर के ही पुकारती है। अब आइए देखते हैं इसके जीवन के बारे में। तो मगम्मा के घर में मगम्मा के अलावे और 3 लोग हैं। कौन कौन से लोग हैं देखते हैं। ये हमारी मगम्मा है, सबसे पहले मगम्मा है और 3 लोग हैं। ये इसकी बहू है जिसका नाम नजम्मा है। मगम्मा की बहू का नाम क्या है, नजम्मा इसकी बहू है। ये कौन है, नजम्मा इसकी बहू है, ठीक है ना। और आप लोग हंसिएगा मत, हमारे पिक्चर्स कुछ ऐसे ही मैं बनाता हूँ। और ये इसके बेटे हैं, ये इसका बेटा है, ठीक है ना, और ये उसका पोता है, ठीक है ना। तो एक बार क्या होता है कि नजम्मा अपने बेटे को यानी मगम्मा के पोते को किसी बात को लेकर के इसे पीटती है, तो जिसके कारण से मगम्मा को देखा नहीं जाता है। और मगम्मा इसमें बोलता है, क्यों ही राक्षसी बच्चे को क्यों पीट रही है। क्या कहती है, क्यों रे राक्षसी बच्चे को क्यों पीट रही है। तो इस बात पर इसकी बहू मगम्मा पर ही चढ़ बैठती है, यानी मगम्मा को ही भरा बुला कह देती है। तो फिर मगम्मा कहती है नजम्मा से, आने दो तुम्हारे पति को, यानी अपने बेटे के बारे में कहती है, आने दो मैं उससे ही तुम्हें डांट सुनवाता हूँ। पर बेटा आ जाने के बाद कहता है, माँ क्या मेरी पत्नी का मेरे बच्चे को मारने का हक नहीं है माँ। तो माँ कहती है कि तू भी अपने पत्नी का ही पक्ष लेता है। तो बोलता है कि यदि तुम लोगों को मैं भारी लगता हूँ, यदि मैं तुम लोगों के बीच में कुछ अलग लगता हूँ, तो क्या मैं अलग खाना बनाना, क्या मुझे अब अलग खाना पड़ेगा। तो बेटा इसका कहता है कि यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप खाना अलग बना के खा सकते हैं, तो आप अलग ज़रूर खा लीजिए। तो माँ क्या करती है, माँ कहती है ठीक है, आज दोपहर से ही मैं अलग खाना बना करके खाऊंगी। तो माँ क्या करती है, दोपहर से ही अपना अलग खाना बना करके खाती है। ये लीजिए, हम इसका बना देते हैं घरा, इस पर खाना चढ़ाए, नीचे आग जल रहा है, और ये माँ है। देखिए माँ अलग खाना बना करके खा रही है, और जबकि यहाँ इसकी बहू है, ये जो दूर से ही इसे देख रही है, और ये इसका छोटा पोता है, ये भी इसे दूर से देख रहा है, इसका बेटा ये भी इसे दूर से देख रहा है, और ये अलग बनाकर खाना खाती है। तो ये इसका जो सबसे पहला, जो मगम्मा का सबसे, इसका जो सबसे अच्छा व्यक्ति था, वो अपने माँ जी को ये मानती थी। ये जब भी दही बेचने के लिए जाती थी बेंगलोर, तो माँ जी से मुलाकात ज़रूर करती थी और अपनी सभी बातें माँ जी को सुनाती थी। तो जब मगम्मा दही बेचकर पैसा कमाती थी, तो उस पैसे से अपनी बहू के लिए या तो कान के लिए या फिर या तो नाक के लिए या गले के लिए खरीदा करती थी। लेकिन जब इसकी बहू इससे अलग हो गई तो फिर मगम्मा के पास पैसे बचने लगे। तो फिर मगम्मा ने क्या बोला, माँ जी के पास, माँ जी को इन्होंने देखा एक मखमल का ब्लाउज पहने हुए देखा। तो मगम्मा ने फिर माँ जी से कहा कि माँ मैं भी ऐसा
माँ जी मैं भी एक ऐसा ब्लाउज लेना चाहती हूँ, कितने का पड़ेगा? तो माँ जी ने बोला लगभग 8 रुपये का। तो मगम्मा दूसरे दिन क्या करती है, मगम्मा दूसरे दिन ऐसा ही ब्लाउज खरीद के लाती है और उसी दर्जे के यहाँ पर सीने के लिए भी दे देती है। लगभग 8 से 9 रुपये खर्च के, है ना, खर्च करने के बाद मगम्मा भी मखमल की ब्लाउज पहनने लगती है, जिसको देख करके उस, है ना, उसकी बहू जो उससे बहुत जलती थी वो कहती है देखो बुढ़ापे में इसकी जवानी आ गई है। ठीक है ना, इस बात का पता उसके गाँव के एक लंपट जुआरी को पता चल जाता है जिसका नाम रगम्पा होता है। रगम्पा उसी के गांव का एक लंपट जुआरी था, हम कह सकते हैं जुआरी, है ना, टाइप का व्यक्ति था। और इसको पता चल जाता है कि मगम्मा के पास आजकल बहुत पैसे हैं, क्योंकि वो दही बेच करके अपने बेटे और बहू को नहीं देती है, तो मगम्मा के पास पैसा है। इस बात को जान करके जुआरी रगम्पा इसके पीछे पड़ जाता है और बार बार इसे तंग करता है कि मगम्मा तुम्हारे पास अगर कुछ पैसे हैं तो मुझे उधार दे दो। जबकि मगम्मा कहती है मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ठीक है ना, ध्यान से कहानी सुनिएगा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, है ना। तो रगम्पा बोलता नहीं तुम्हारे पास पैसा है दे दो। एक दिन तो हद हो गई जब मगम्मा इसके बात नहीं सुन रही थी। तो इनका जो मिलन होता था, जब भी मगम्मा दही बेचने जाती थी, फिर से मुझे मगम्मा बनाना पड़ेगा, मगम्मा दही बेचने के लिए जाती थी तो रास्ते में एक अमराई का कुआं पड़ता था। अमराई का कुआं, इस कुएं का नाम क्या था, अमराई का कुआं था, रास्ते में पड़ता था। और यहीं पर जब मगम्मा दही बेचने के लिए जाती थी तो रास्ते में इसको जो ये क्या नाम था इसका, रगम्पा, इसको रोकता था और कहता था कि तुम मुझे पैसा दे दो, किसी दिन बहाना बनाता था चूना दे दो किसी दिन, या आके मेरे पास बैठो। एक दिन हद हो गया, इसने मगम्मा का हाथ पकड़ के बैठा लिया। मगम्मा को ऐसा एहसास हुआ कि जैसे इसके पति भी इसको ऐसे नहीं बैठाते जैसे रगम्पा ने बैठा लिया। इसलिए कुछ बच्चे कहते हैं सर मगम्मा से रगम्पा शादी करना चाहता था, लेकिन ऐसा बुक में कहीं नहीं लिखा गया है कि रगम्पा मगम्मा से शादी करना चाहता था। बस ये लिखा गया है कि ये से पैसा उधार लेना, है ना, लेने के बारे में सोच रहा था। तो फिर जब इसको मगम्मा को यह एहसास हो गया कि मुझसे पैसा लेने के लिए रगम्पा चाह रहा है, तो फिर मगम्मा ने क्या किया, माँ जी से बोला कि माँ जी एक काम कीजिए, अब मेरा पैसा तो खर्च नहीं होता है, तो मेरे पास कुछ पैसा बचा है, आप उसको रखवा दीजिए बैंक में, आप उसे बैंक में रखवा दीजिए अपने पति से बोल करके, या फिर आप रख लीजिए अपने पति से बोल करके। ठीक है ना, तो मगम्मा अपना पैसा किसको रखवाना, किसके पास रखना चाहती थी, तो माँ जी के पास अपना पैसा रखना चाहती थी, है ना। जुआरी कौन था, तो जुआरी कौन था, रगम्पा जुआरी था। रगम्पा क्या चाहता था, तो मगम्मा से पैसा चाहता था। और जब यह बात इसकी बहू को पता चला कि मेरी माँ का, यानी मेरी माँ का जो पैसा जो है रगम्पा लेता है, रगम्पा मांग रहा है, तो फिर इसे समझ में आया, इसकी बहू को समझ में आया कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि वो पैसा मुझे मिल जाए। अब सोचो आप लोग हंस रहे होंगे मन में कि सर पहले तो इन्होंने ही मम्मी का, है ना, इन्होंने ही माँ को अलग किया था और अभी कह रहा है कि मुझे पैसा चाहिए। तो बहू क्या करती है, अपने छोटे बेटे को, यार एक ही बेटा होता है उसका, बेटे को क्या बोलता है कि तुम जाओ दादी के पास, तुम जाओ दादी के पास और बोलना कि मैं दादी के पास ही रहूँगा और दादी के पास ही खेलूँगा खाऊँगा। तो आप लोगों को पता है कि जब आप लोगों के घर में भी झगड़ा होता होगा तो बच्चे ही जो होते हैं वो झगड़े को समाप्त करते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो पोता है ये आ जाता है मगम्मा के पास और मगम्मा के पास ही रहने लगता है। और फिर रहते रहते क्या होता है, एक दिन जो है ना मगम्मा की बहू जो नजम्मा थी और उसके बेटे, ये दोनों भी आकर के माँ से माफ़ी मांग लेते हैं। आप कह सकते हैं कि दिखावट करते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं कि माँ उस दिन हमसे गलती हो गई थी, अब हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं और आप कब तक दही बेचोगे, अब तो आप बूढ़े हो गए ना, तो आप दही बेचने का काम मुझे दे दो। तो इस प्रकार से इसकी बहू दही बेचने का काम ले लेती है, इसकी बहू दही बेचने का काम ले लेती है और मगम्मा को बोलती है कि आप जो है ना आप आराम से घर में बैठिए और घर पर खाना वाना बनाइए, आराम से रहिए। ठीक है ना, तो ये पूरा कहानी था बच्चों। और ये दे देता है इसको, है ना, और आज के बाद से उसकी बहू ही दही बेचती है। तो ये हमारा पूरा कहानी है जो कि बहुत ही हल्का कहानी है। इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बहू ने सास को मनाने के लिए क्या किया, बहू ने सास को मनाने के लिए क्या किया, तो आपको पता है ना कि बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को उसके पास भेज दिया। दूसरा क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे, दूसरा क्वेश्चन आता है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, मगम्मा का
अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो मैंने बताया था कि मगम्मा एक है ना, मगम्मा का अपनी बहू के साथ एक दिन उसकी बहू उसके पोते को बहुत पीट रही थी, इसी बात को लेकर मगम्मा ने उसे मना किया था कि क्यों रे राक्षसी बच्चे को क्यों पीट रही है, तो उन दोनों में विवाद हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि मगम्मा और उसकी बहू नजम्मा में विवाद का कारण बच्चा था। क्या था? बच्चा को पीटना था, ऐसा कह सकते हैं, बच्चा को पीटना था। और अगर आपसे पूछा जाए कि रगम्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था, रगम्पा कौन था बच्चों और मगम्मा से क्या चाहता था, तो आप कह सकते हैं कि रगम्पा क्या था, एक जुआरी था। रगम्पा एक जुआरी व्यक्ति था, जुआरी व्यक्ति था जो 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 मगम्मा से धन चाहता था, जो मगम्मा से कुछ पैसा चाहता था। ठीक है ना? तो ये तीन ऑब्जेक्ट, ये हमारे तीन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, हमने वीडियो बना रखा है, जाकर के इसके नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप बनाइएगा तो आपको लगेगा कि यार कितना आसान है। तो ये पहला चैप्टर आपका दही वाली मगम्मा पूरा समाप्त हुआ। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसे लगी, है ना, कहानी कैसे लगी बच्चों, आप लोग ज़रूर बताना। ये मैं बहुत ज़्यादा नाइट में इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी में इस वीडियो को बनाया हूँ, फिर भी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। अगली वीडियो हमारी आने वाली है ढहते विश्वास पर, तो ज़रूर बताना क्या आपको समझ में आ गया, कैसे मगम्मा क्या थी, दही बेचती थी, कहाँ बेचती थी, बेंगलोर में, घर है ना, उसका गांव कहाँ था, तो उसका गांव मेरे बच्चे कहाँ था, आप लोगों को पता है कि वेंकटपुर में उसका गांव था। उसका झगड़ा किसके साथ था, बहू के साथ था, क्यों था, क्योंकि बहू ने बच्चे को मारा था। रगम्पा उससे क्या चाहता था, पैसा लेना चाहता था। मगम्मा अपना सबसे अच्छा किसको मानती थी, अपनी माँ जी को। अपना पैसा कहाँ जमा करना चाहती थी, तो माँ के पास, है ना। और फिर पूछेगा मगम्मा ने कौन सा कपड़े का ब्लाउज सिलाया था, मखमल कपड़े का, कितने रुपए का, 8 रुपये का, है ना। कुआं, अमराई का कुआं कहाँ पड़ता था बच्चों, रास्ते पर, है ना। रगम्पा इसको कहाँ मिलता था, तो अमराई के कुएं के पास मिलता था। सारा प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मात्र 10 मिनट की वीडियो में वो पूरा कहानी समझ लेगा। फिर ऐसे करके हम पाँच मतलब 10-10 मिनट में सारी कहानी हम खत्म कर देंगे। 50 मिनट में आपका पूरा जो आपका बुक है वर्णिका बुक समाप्त हो जाएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दिशा ऑनलाइन क्लासेस है, जरूर आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, फटाफट, है ना। एक चीज मैं आप लोगों को बताने के लिए भूल गया, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। श्रीनिवास का जन्म, श्रीनिवास का जन्म पूछा जाता है। इसका जन्म हुआ था 6 जून हुआ था ना जी, इसका जन्म हुआ था 6 जून 1891 को, यह भी याद रखिएगा। जय हिंद।